हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरडे गाइड शिवांश बसीन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 14th of December यानी कि कल हमें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, कौन से स्टॉक्स बाय या सेल साइड में होने चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या एनालिसिस होनी चाहिए। सो गाइस, आज हमने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करा था, जो मैंने आपको अपने चार्ट्स के थ्रू बताया था निफ्टी के बारे में कि वहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको तोड़ना मुश्किल है, पर कल भी मार्केट ऊपर जाएगी और बैंक निफ्टी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो गाइज हुआ वही, आपको बैंक निफ्टी ने भी अच्छा रिटर्न दिया होगा अगर आपने उसमें ट्रेड लिया होगा। पर गाइज अब हम देख पा रहे हैं कि मार्केट बहुत टाइम से ऊपर चली गई है, 10,333 से एग्जैक्ट हमने 500 पॉइंट की मूवमेंट देख ली है निफ्टी के अंदर। सो गाइज वो एक गैप अप जो मार्केट बार बार दिखा रही है, अब उस गैप को शायद वो मार्केट कल के सेशन में फिल करने की कोशिश करे। हम ये नहीं कह सकते कि वापस एक फॉल आ सकता है उस 10,350 के लेवल के आसपास, पर हम एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम में यानी कि कल के सेशन में और अगले दिन तक भी देख सकते हैं। तो कौन से स्टॉक्स हमें कल के सेशन में वॉचलिस्ट में रखने चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें माइंडट्री, बजाज फाइनेंस, टाइटन, टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो गाइस, माइंडट्री की अगर हम बात करते हैं तो माइंडट्री आज मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया था जिस टाइम मैंने ये ट्रेड लिया था और लोगों को बोला था कि ट्रेड लीजिए। गाइस 875 पे मैंने इस पे बोला था कि आपको शॉर्ट करना है, 875 पे हमने शॉर्ट करवाया था, मार्केट जब क्लोज हुई तो 858 पे क्लोज हुई और मेरा जो टारगेट था वो 860 था। आप लोग इंट्राडे गाइड के मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने 9:40-50 में भी ये अपलोड कर दिया था और वहाँ पर आप जाके इसे देख सकते हैं। सो गाइस आज भी इसे मैं शॉर्ट करने की ही सलाह दूंगा, यानी कि कल के मार्केट में आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं 850-823 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना है 869 का रखना है। 823 मैंने बहुत ज़्यादा नीचे का दे दिया, पर जिस तरीके से लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आईटी सेक्टर में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिस तरीके से हम ये तेजी आने वाले टाइम में देख चुके हैं इसके अंदर, और 72 के नीचे भी हम कह सकते हैं कि जो डॉलर है वो नीचे जा चुका है, तो ये थोड़े बहुत इसके की पॉइंट्स हैं नेगेटिव जो माइंडट्री को शायद नीचे लेकर जा सकती है कल के मार्केट में। बजाज फाइनेंस की मैं आपको शॉर्ट करने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 3 दिन से इसमें बहुत अच्छी खासी अपमूव आ गई है। अगर हम बात करें तो पूरे NBFC के अंदर 3 दिन से बहुत अच्छी मूव आ चुकी है और कल इसके लिए एक न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव NBFC सेक्टर के लिए, तो शायद हम देख सकते हैं कि कल NBFC सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए हमें। तो बजाज फाइनेंस उसमें से एक बेस्ट काउंटर रहेगा शॉर्ट करने के लिए, सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको 2481-2469 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 2510 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस बजाज फाइनेंस कल के मार्केट में थोड़े वाले टाइम में हमें ऊपर जाने वाले देखने को मिल सकता है। बजाज मार्केट जब ओपन होएगी तो शायद बजाज फाइनेंस थोड़ा और ऊपर खुले, पर वहाँ से हम एक फॉल आने में देख सकते हैं। सो गाइस अगर आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं तो 2525 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा और शायद ये कल आपको टारगेट अचीव होते वाले दिख जाए। टाइटन मैंने आज भी शॉर्ट करने की सलाह दी थी, पर टाइटन का टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ था और टाइटन में एक रेंज थी जो ऊपर एक रेजिस्टेंस था 945 का रेजिस्टेंस, जिस तरीके से हमें लग रहा था कि वो ब्रेक नहीं करेगा उसने ब्रेक कर दिया था, पर जिस तरीके से मैंने देखा कि मार्केट क्लोज हुई और टाइटन 945 या 947 के नीचे उसने क्लोजिंग दी है, तो हम कह सकते हैं कि वो रेंज को वो ऊपर तोड़ा तो था, पर वो रेंज तोड़ने का मकसद ये था कि लोगों में बाइंग जोन बनाना और वहाँ से एक फॉल आ सकती है। सो गाइस कल के मार्केट में अगर टाइटन में एक फॉल आती है तो मैं आपको इसमें एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दूंगा करने के लिए, वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर जाने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और इस वीकली एक्सपायरी में जो टाइटन में एक वीकली एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेड लेकर हम चलेंगे जो आपको अच्छा खासा फायदा दे सकती है। तो टाइटन शॉर्ट करने की सलाह 937-931 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 951 का लगा के चलना है। टाटा स्टील शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 507-501, स्टॉप लॉस आपको 519 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 109-107 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको इसका 116 का मेंटेन करके गाइज रखना पड़ेगा। गाइज इसके साथ मैं आपको इसमें एक यस बैंक भी और देने वाला था जो मेरे इस वॉच लिस्ट में होता, पर यस बैंक में अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ध्यान से फॉलो करते हैं तो मैंने कल के सेशन में यस बैंक का जो टारगेट दिया था 192.50 समथिंग का दिया था और आज 192.50 का टारगेट अचीव करा था, वहाँ पर मैंने मैसेज भी डाला था
और जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्हें भी मैंने मैसेज डाला था कि 192.50 के बाद अपना पोजीशन को एग्जिट कर देना, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। और वही तरीका हमने आज भी देखा था कि 194 तक गया था, वहाँ पर लोग अपनी बाइंग पोजीशन बनाना चालू कर देते 192 के ऊपर, पर वहाँ से एक एग्जैक्ट फॉल आ गई थी और 177 के आसपास जाके इसने हमने क्लोजिंग दे दी है। गाइज मैं आपको शॉर्ट पोजीशन दे देता येस बैंक के अंदर अगर 177 के आसपास जाके वो अपनी क्लोजिंग नहीं देता, अगर उसके ऊपर देता 179 भी अगर हम कह सकते हैं इसका शॉर्टफॉल सपोर्ट है, वहाँ से वो शायद कल बाउंस कर जाता है। अगर 174 के नीचे वो ट्रेड करना शुरू करता है येस बैंक, तो हम कल भी इंट्राडे के अंदर इसमें शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी एक कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिस तरीके से इसने गैप फिल करना है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक गैप फिल कर सकता है। अगर कल नहीं करता तो परसों तक ही कर देगा गैप फिल। सो गाइस इसको हम कह रहे हैं जो टारगेट मिल रहा है हमें एक्सपेक्टेड टारगेट 26,670 तक, तो बैंक निफ्टी आराम से कल हमें अचीव होने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो हायर साइड जो हायर रेजिस्टेंस है वो है 27,075 का। अगर 27,075 को क्रॉस कर देता है तो हमें एग्जैक्ट 300 पॉइंट की अपमूव आने वाले टाइम में देखने को इसमें भी मिल सकती है। गाइज अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने 10,800 का लेवल क्रॉस कर दिया था और उसके ऊपर भी सस्टेन कर गया था, और जो मैंने आपको बताया था कि 850 के अराउंड जा सकता है वहाँ पर भी चला गया था, उसके बाद हमने एक फॉल देखने को मिल गई थी। गाइज इसमें भी हम कह सकते हैं निफ्टी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि 10,300 से जो इसने 500 रुपये की अपमूव दे दी है तीन दिन के अंदर अंदर ही, दो दिन के अंदर ही वो वापस एक फिनिश हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम में देख सकते हैं इंडेक्सेस के अंदर, तो आप इसमें बनी रहिएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको इस वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, और लाइक करिएगा जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्हें ये एजुकेशनल वीडियो के बारे में सारी नॉलेज मिल रही हो। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, या अगर आपको लगता है कि कल ये वाले स्टॉक्स चल सकते हैं और इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए, मैं उसके चार्ट देखकर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा कि यस ये ट्रेड भी हम कल ले सकते हैं और ये ट्रेड हमें इग्नोर करना चाहिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।